कटहल। तो फटाफट जो है मैं खाना बनाती हूँ। सॉफ्ट है एकदम, गुजारा रहा है। लक्की बाबा का वो आ रहा है, लक्की ग्यालो को छोड़ के जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है सुबह के 9 से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों की फिर से हो गई है छुट्टी, वो भी इसलिए क्योंकि हाई अलर्ट बता रखा है बारिश, और बारिश जो है रात भर यहाँ बारिश थी, पर अभी सुबह जो है मौसम थोड़ा खुल चुका है, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं 3 बजे से फिर बारिश स्टार्ट होगी। तो आजकल जो है रात को बारिश हो रही है और सुबह मौसम साफ हो जा रहा है। हस्बैंड जाने के लिए रेडी हैं और खाना मेरा बन चुका है, बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास, और आज जो है बच्चों की फिर से छुट्टी। हस्बैंड अपने हिस्से का काम सब करके जा चुके हैं, तो इनका काम क्या है देखिए दोस्तों, बेड ठीक करना, क्योंकि आजकल दादी भी जो है ऊपर ही सोती है हमारे साथ एसी की वजह से। दादी और मीठी यहाँ सोते हैं और हम तीनों इधर, और मीठी की चल रही है ऑनलाइन क्लास। ये कितने ध्यानपूर्वक चावल लाई थी मैं यार। तो इधर जो है बन रहा है मेरा खाना, और खाने में मैंने आज क्या बनाया है आपको बताती हूँ। और आप लोग कह रहे होंगे कि आजकल इनका रोज़ बैगन का भरता, तो दोस्तों आजकल जो है मैं रोज़ बैगन का भरता बना रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कई लोग ऐसे भरता बनाते हैं और कई लोग जो है बैगन को काट के बनाते हैं, इधर बनाए हैं आज मैंने घोंत के डुबके। तो दोस्तों भट के तो आपने सुना होगा, तो और आज मैंने बना रखे हैं घोंत के डुबके साथ में हरी सब्जी, क्योंकि हस्बैंड की डाइट अब थोड़ा ठीक करनी है, इनको डेली हरी सब्जी और ये ऐसा वाला खाना ज़्यादा देना है, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है। बैगन का भरता और ये और चावल और रोटी अभी मुझे बनानी है, और अक्षत की चल रही है क्लास। ये देखिए कितने आराम से क्लास ले रहा है मेरा बच्चा, इसलिए क्योंकि इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो उसको ऐसे एडजस्ट करके काम करना पड़ रहा है। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी तेरी कॉपी वहीं रह गई ना, तो मैम से अभी बोलना। अरे तो बोल दे मैम क्या। तो हस्बैंड ने पूजा पाठ कर दी सुबह मंदिर में, तो मैंने कर दी, दूसरी ये करते हैं। मौसम देखिए दोस्तों, तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने जो है मिर्च के पेड़ लगाए थे, तो दोस्तों जो मिर्च के पेड़ लगे थे वो देखिए इसमें मिर्च आने लग गई है, लेकिन ये एक ही जगह 3 पेड़ हो रहे हैं, पता नहीं कैसे होगी। मेरा मन कर रहा है कि ये वाला पेड़ मैं हटा दूं, दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूं, देखती हूँ क्या होता है, कहीं ये ना हो कि मैं इसे हटाऊँ और ये सूख जाए, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें इतना फूल आ चुका है देखिए मिर्च का। या फिर रहने देती हूँ, क्या पता हो ही जाए। और इधर जो मैंने पौध बनाई थी उन सब में फूल खिल चुके हैं। अब जो है पहले मैं हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ, फिर पूरा घर समेटना है, क्योंकि घर देखिए अब क्या हाल है। और स्टेलू भी यहाँ बैठ गई है, आजकल पापा स्टेला से बहुत गुस्सा है। अरे बोल लो यार उससे थोड़ा सा, एक बात तुमने बोला सुना पापा ने बोला, देखो उसका मुंह तो मैं नहीं लग रहा है, बोल दे भाई वाले के भाव करिए, एक बार बोल लो यार एक बार, क्या हो रहा है, मुंह तो मैं नहीं लग रहा उसका, मुंह उतरा उतरा सा है, कर लो प्यार यार। चलो पापा गुस्सा हो रहे हैं, ऐसे मत बोलना। तो गाइस ये देखो स्टेला कितनी क्यूट लग रही है, देखो ये प्यारा बच्चा, इधर देखो इट्स माय गर्ल, इसकी हरकतें देखो, So guys, अभी यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है। अम्मा ये किसकी है, किसका है ये? This is green vegetable। तो मैं आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। Let's go upstairs and I will show you the view. Guys, this is the view. And guys, देखो इतना ज़्यादा fog लगा हुआ है। My God, it's really pretty. But देखो guys, वहाँ पे पूरा fog है, like पूरा fog, white white पूरा fog. और वो ना नीचे को जो है white white वहाँ पे बहुत ज़्यादा fog है। और उस एरिया में भी देखो थोड़ा ब्लरी ब्लरी वाइब है, वहाँ पे भी वाइट वाइट प्लांट्स थे, और बहुत सही मौसम हो रहा है अभी। जस्ट लव दिस वन व्यू वेरी मच। अगर ये घर नहीं होता ना तो फिर
बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, बट इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स रियली गुड। एंड पूरी छत में पानी पानी हो रखा है बिकॉज रात भर बारिश हुई थी, आई थिंक बारिश हुई थी, मुझे सब पता नहीं है, बट हाँ हुई होगी, तभी तक गीला गीला हो रहा है। एंड गाइस बर्ड्स की जो आवाज़ आ रही है ना, लाइक हल्की सी, बहुत सही लग रही है। चलते हैं नीचे। एंड गाइस ये देखो, इस तरह ने पूरी कॉटन निकाल ली और वाह, तूने ये क्या किया? Do you have manners? What is this? What is this? मुंह देखो, उसके मुंह पे भी लगा हुआ है। क्या करा तुमने? मैं इसको डांट भी नहीं सकती ना, फिर ये सैड हो जाएगी। और इतनी क्यूट है ये तो, वैसे भी इसे खा जाऊंगी इतनी। तो मम्मा ने भरता बना लिया, इट्स रियली डिलीशियस, बट क्या मतलब, बट हाँ इट्स रियली डिलीशियस। पर मीठी खाती नहीं है भरता में। हाँ बट मैं खा लूँ। खा ले गया? हाँ। तो दोस्तों ये है पहाड़ी स्टाइल का बैगन का भरता। पहले आग में पकाओ, फिर सिलबट्टे में नमक पीसो और फिर उसी को सान लो, उसमें डालो कच्चा तेल सरसों का। इसकी स्मेल बहुत सही आ रही है। The combination, let's see कि इसका और इसका combination कैसा है। इसकी बदतमीजी ना कभी भी स्विच ऑफ नहीं हो पाएगी। इसे देखो, अभी देखना गाइस, छोड़ो जल्दी छोड़ो, निकालेगी सीधे। अभी देखो ऐसी बदतमीज है ये, छोड़ो इसे स्टेला। और हमने अभी तक, आपने देखा पूरा घर साफ था, मैं ऊपर गई और उसके बाद क्या हाल हुआ। शूट कर, रुक जाओ वीडियो बना रहा हूँ। गाइस मैं ये वाली ऑनलाइन क्लास स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फिर क्योंकि मेरी वाली तो लाइब्रेरी है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैम कराती नहीं है कुछ लाइब्रेरी में। गाइस ये जितनी क्यूट है ना और जितनी प्रिटी है, उतनी ही शैतान है, उससे ज्यादा शैतान, मुझे तो ऐसा लगता है। ये देखो सिला, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर, जल्दी डाल दी इसकी पूरी कॉटन। अभी कुछ फायदा नहीं होगा, फिर से निकाल देगी बदतमीजी। पता नहीं तो मेरा, लेकिन नहीं है जिसकी भी नहीं है इतना मैं श्योर हूँ, इतना तो मैं श्योर हूँ। तुम ना फिट होगी स्टेला बहुत तेज का एक बारी। दोस्तों खाना बना खिला के मैंने हस्बैंड को खाना खिला के हस्बैंड को भेज दिया और अब आ गई है पार्वती। पार्वती ने झाड़ू लगा के अब बर्तन, अब क्या बचा है पार्वती है? तो दोस्तों यह है पार्वती, नेपाल से आई है। तो रहती है कहाँ, कहाँ रहती है पार्वती तुम अभी? गल्ला मंडी। तो आप लोग कह रहे होगे हर ब्लॉग में मुझे नई नई आंटियाँ मिलती हैं दीदी के घर में, पर क्या करूँ, पार्वती भी 10 तारीख के बाद नहीं आएगी। और पार्वती क्यों नहीं आएगी बताओ, है पार्वती? पार्वती की है गुड न्यूज़, तो अब पार्वती रेस्ट करेगी उस टाइम। क्यों पार्वती जी, गर्मी तो रुकने का नाम ले रही, कहाँ हाई अलर्ट बता रखा था, और यहाँ देखिए अब धूप, कितनी तेज धूप आ गई है। अब कोई कहेगा कि हाई अलर्ट था ये, मेरे हस्बैंड कहते 3 बजे के बाद बारिश शुरू होगी, देखते हैं। स्टेलो ऐसे नहीं बैठो बेटा, अब तुम्हारे लिए बॉयल एग बना रही हूँ, तो स्टेला के लिए जो है अंडे बॉयल हो रहे हैं, साथ में मैं टेस्टिंग भी करती जा रही हूँ। इन दोनों की शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही भाई, इतना परेशान इन दोनों ने कर दिया है।
दोस्तों अभी आई हूँ मैं नीचे और अभी हम लोग यहाँ बैठ के जो है पीयू और मैं डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोगों ने जो है ब्लॉग शूट करने के लिए ट्राईपॉड निकाल रखा है तो देखते हैं इससे कैसे ब्लॉग बन सकता है। दोस्तों जो हस्बैंड ने कहा था वो बिल्कुल राइट हुआ, 3 बजे से फिर बारिश शुरू हो गई है। ठीक 3 बजे से शुरू हो गई है बारिश, जैसा तेरे पापा ने बोला सेम वही हुआ। उन्होंने कहा था ठीक 3 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी और तो वाकई में 3 बजे शुरू हो गई। आपको उधर चिट्ठी गिरेगी है बेटा, बच्चे तो ले रहे हैं व्यू का मजा। मुझे जाना है पार्लर में क्योंकि एक क्लाइंट आने वाली है जिसको करवाना है हेयर स्पा, तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं खुद अपना भी हेयर स्पा करा लूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, उससे पहले ये पहुँच जाती है। ये है बच्चों का रूम जहाँ बच्चे अपने आप बैठेंगे। तो पार्लर से फ्री होके मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मैंने आज करवाया अपना हेयर स्पा और थोड़ी सी डिटैनिंग क्योंकि मेरा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा टैन हो चुका था। तो दोस्तों और हस्बैंड भी आ गए हैं, देख रहे हैं सब ब्लॉग और मेरे उस रूम से जो है छत से पानी गिरा है इसलिए जो है यहाँ आज लेके आए हैं प्याज और आलू। आलू पहाड़ी है, सब्जी लेके आए तुम आज ये वाली। तो दोस्तों आज ये लेके आए हैं करेले और हरी पहाड़ी मिर्च और 4 तुमड़ी। तो आप सभी लोग बताइए कि ये कितने की होगी ये सब्जी। तो इन्होंने मुझे पूछा कि तू बता कितने की लाया हूँगा मैं, मैंने उसका कि होगी थोड़ी महंगी, तो 30 रुपये में आज वो इतनी सब्जी लेके आए, तो यानी कि सब्जी थोड़ा सस्ती हो चुकी है। कितने की लेके आए तुम सब्जी आज वो करेला तुमड़ी और 30 रुपये की सब्जी लेके आए हैं, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, अच्छी सब्जियाँ सस्ती भी मिल जाती हैं। क्यों 4 तुमड़ी और पहाड़ी मिर्च और करेला। हाँ तो दोस्तों अभी शाम के टाइम ही होता है ना 10, आप कितना ही सब्जी उठा लो तो ये भी नहीं कि ख़राब है, मतलब सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। देखिए नाखून लग रहा है, साथ में मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। आटा मीठी ने मल के रख दिया है, इसमें बना दिया मैंने कटहल, तो फटाफट जो है मैं खाना बनाती हूँ। सॉफ्ट है एकदम, गुजारा है, लक्की बाबा का वो आ रहा है, लक्की को छोड़ के खा रहा है। मैं ट्राई करूँ, ओ मेरा घुस गया, मेरा घुस गया तो तेरे बेवकूफ जैसे, मेरे नाखून पकड़ के इसे टेढ़ा कर दिया। लक्की मामा भुगियार छोड़ के क्या कहते पढ़ाई करने चले गए हैं। ओ नकली नाखून है, तोड़ दिया ना तूने, नकली नाखून है। हाँ फिर क्या, नकली है असली है बेको। तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं आज सब लोग अपना खाना एंजॉय, और इधर है रायता खीरे का बहुत टेस्टी, और साथ में फटाफट मैं यहाँ इन बच्चों को खाना खिलाती हूँ।